हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। क्या आपको पता है बोधगया किस राज्य में स्थित है? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट पर लिख दीजिए और अपने पास के सबसे नज़दीक सबसे बड़े शहर का नाम और स्टेट का नाम कमेंट पर लिख दीजिए ताकि हम मॉर्निंग न्यूज़ के वीडियो में आपके शहर से जुड़ी हुई बड़ी खबरें दिखा सकें। तो देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। भारत में पिछले लंबे समय से कोचिंग संस्थानों में मनमानी फीस वसूली, छात्रों पर अनावश्यक दबाव और छात्रों के आत्महत्या करने के मामले सामने आ रहे हैं। इसे लेकर शिक्षा मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है और देश में कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें कोचिंग संस्थानों के पंजीकरण के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएं, फीस संरचना और बुनियादी ढांचा, पाठ्यक्रम के बारे में निर्देश शामिल हैं। आपको बता दें कि इन निर्देशों के मुताबिक अब 16 साल से कम की आयु वाले छात्र कोचिंग संस्थानों में उन्हें दाखिला नहीं मिलेगा। हालांकि 16 साल से कम उम्र में माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा पास करने वाले छात्र दाखिला ले सकेंगे। छात्रों के स्कूल के समय पर कोई भी कोचिंग कक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। हर दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। सुबह जल्दी और देर शाम तक कोचिंग कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा सकेगा। कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों को स्नातक पास होना जरूरी होगा। इससे कम शैक्षणिक योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दी जा सकेगी। इसके अलावा आपराधिक रिकॉर्ड वाले शिक्षकों को नियुक्ति देने पर भी रोक लगाई गई है। वहीं छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा अन्य करियर विकल्पों की जानकारी भी दी जाएगी। इसके अलावा छात्रों को मानसिक तनाव से बचाने के लिए परामर्श कार्यक्रम और अनुभवी मनोवैज्ञानिक चर्चाओं को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कोचिंग संचालक अपने संस्थान में छात्रों का दाखिला बढ़ाने के लिए भ्रामक वादे या अच्छी रैंक की गारंटी नहीं दे पाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर खड़गे का वार, बोले भारत जैसे देश में इसकी कोई जगह नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को पत्र लिखकर कहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाने वाले देश में एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई स्थान नहीं है तथा उनकी पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का पुरजोर विरोध करती है। समिति के सचिव नितेन चंद्र को भेजे गए सुझाव में खड़गे का यह भी कहना था कि एक साथ चुनाव कराने का विचार संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध है और यदि एक साथ चुनाव की व्यवस्था लागू करनी है तो संविधान की मूल संरचना में पर्याप्त बदलाव की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि पत्र में कि जिस देश में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई हो वहाँ एक साथ चुनाव की अवधारणा के लिए कोई जगह नहीं है। सरकार द्वारा एक साथ चुनाव के ऐसे प्रारूप संविधान में निहित संघवाद की गारंटी के खिलाफ हैं। बिल्किस बानो केस के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 2 दिन में जाना होगा जेल। बिल्किस बानो केस के सभी दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने बिल्किस बानो केस के 11 दोषियों की याचिका ठुकरा दी है। सभी ने सरेंडर की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था। इस हिसाब से दोषियों को 21 जनवरी को जेल जाना पड़ेगा। दोषियों ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर समय मांगा था। 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का फैसला रद्द करके 2 सप्ताह में समर्पण करने के लिए कहा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा में छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को 8 जनवरी को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने दोषियों को 2 सप्ताह के अंदर जेल भेजने का निर्देश दिया था। दरअसल साल 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। इसके साथ ही बिल्किस के परिवार के 7 लोगों की हत्या भी कर दी गई थी और इस घटना के वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती भी थी। बिल्किस बानो उस वक्त महज 21 साल की थी और उनकी 3 साल की बेटी भी उन लोगों में शामिल थी जिनकी दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाने वाले 5 न्यायाधीशों को मिला प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण।
उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाने वाले सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। इंडिया टुडे के मुताबिक 4 साल पहले फैसले के समय सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में शामिल 5 न्यायाधीश राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। आमंत्रित लोगों में पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश शीर्ष वकील, 50 से अधिक न्यायविद, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल शामिल हैं। बता दें कि 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर बनाने का फैसला सुनाने वाले 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में रंजन गोगोई, एस ए बोबड़े, डीवाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर शामिल थे। रंजन गोगोई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई थे, बाद में बोबड़े भी सीजीआई रहे। डीवाई चंद्रचूड़ मौजूदा समय में अभी सीजीआई हैं, वहीं अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। इस फैसले के बाद कई साल पुराने विवाद का पटाक्षेप हो गया था। अयोध्या में विवादित जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने 2.77 एकड़ की विवादित जमीन को रामलला की जन्मभूमि बताई थी और इसे हिंदू ट्रस्ट को सौंपने के लिए कहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को 5 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंपने के लिए कहा था ताकि उस पर मस्जिद बनाई जा सके। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाने के बाद आंदोलन का रूप बदल गया था। हरियाणा सरकार का गेस्ट टीचरों को तोहफा, बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। हरियाणा सरकार ने राज्य के गेस्ट टीचरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने 12,000 टीचरों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। सर्विस एक्ट 2019 के तहत गेस्ट टीचरों को सरकारी कर्मचारियों की तरह ही समान लाभ मिलेगा और हाल ही में यमुनानगर में पक्का करने की मांग को लेकर गेस्ट टीचरों पर लाठीचार्ज हुआ था। बता दें कि इससे पहले सरकार अक्टूबर 2023 में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचरों की मौत पर आश्रितों को 58 वर्ष की आयु तक पूरी सैलरी देने का फैसला ले चुकी है। राज्य में अभी 180 दिवंगत गेस्ट टीचरों की पत्नियों को इसका फायदा होगा। पीसीबी से मोहम्मद हफीज की हो सकती है छुट्टी, रवैया और टीम का खराब प्रदर्शन बना इसकी वजह। पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ताजा मामले में खेल मंत्रालय ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कहा है कि वह अपने मौजूदा क्रिकेट निदेशक मोहम्मद हफीज को लंबे समय तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेश न करे। हफीज इस पद पर पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप के बाद कार्यरत है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार हफीज के साथ साथ अन्य नए कोचिंग स्टाफ सदस्य भी दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के आश्वासन के बाद ही बोर्ड में आए थे। हफीज को ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए नए कोच उमर गुल, सईद अजमल और विदेशी साइमन हेलमोट और एडम हॉलियोक के साथ पाकिस्तान की टीम का डायरेक्टर बनाया गया था। सूत्रों ने कहा कि अब ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। हफीज और उनके कोचिंग स्टाफ के अंदर में टीम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा है, जहां टीम ऑस्ट्रेलिया में सभी टेस्ट हार गई और फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज भी गंवा बैठी। नयनतारा ने अन्नपूर्णानी विवाद के लिए मांगी माफी, भगवान राम को मांसाहारी बताने पर हुआ था बवाल। साउथ एक्ट्रेस नयनतारा ने अपनी फिल्म अन्नपूर्णानी पर हुए विवाद के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बताया कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। दरअसल फिल्म अन्नपूर्णानी में भगवान राम मांसाहारी बताए गए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया था। फिल्म पर हिंदू भावनाओं को आहत करने का आरोप लगने लगा है, जिसके बाद फिल्म के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थी और फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटा दिया गया था। नयनतारा ने अपने माफीनामे में ओम और जय श्री राम शब्द लिखकर शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक सकारात्मक संदेश शेयर करने के हमारे ईमानदार प्रयास में हमने अनजाने में ठेस पहुंचाई है। हमें उम्मीद नहीं थी कि पहले सिनेमाघरों में प्रदर्शित सेंसरयुक्त फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। नयनतारा ने अपनी बात जारी रखते हुए लिखा कि मेरी टीम और मेरा इरादा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था और हम इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं। एक ऐसी महिला होने के नाते जो पूरी तरह से भगवान में विश्वास करती है और देश भर के मंदिरों में अक्सर जाती रहती है, यह आखिरी चीज है जो मैं जानबूझकर करूंगी। जिन लोगों की भावनाओं को हमने ठेस पहुंचाई है, मैं उनसे ईमानदारी से और दिल से माफी मांगती हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक WHO को बताने से 2 हफ्ते पहले से ही चीन को थी कोरोना वायरस की जानकारी।
कोरोना वायरस की उत्पत्ति और इसके फैलने के पीछे कई बार चीन का नाम सामने आया है। अब अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने नया खुलासा किया है। अखबार ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि वायरस के बारे में दुनिया को बताने से 2 हफ्ते पहले चीन के वैज्ञानिकों ने इसकी मैपिंग की थी। अमेरिकी कांग्रेस की जांच से जुड़े हुए दस्तावेजों से इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों ने 28 दिसंबर 2019 को ही अमेरिकी सरकार द्वारा संचालित एक डेटाबेस में कोरोना वायरस का पूरा अनुक्रम अपलोड कर दिया था, यानी कि वैज्ञानिकों को पहले से ही वायरस के बारे में पता था। हालांकि चीन ने इसकी जानकारी 11 जनवरी 2023 को WHO के साथ साझा की। इस खुलासे के बाद करोड़ों लोगों की जान जाने वाले वायरस से निपटने में चीन की भूमिका पर फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH ने डेटा अपलोड करने वाले वैज्ञानिक से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और डेटा को भी हटा दिया गया। अखबार से बात करते हुए चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी कोविड प्रतिक्रिया नीतियां विज्ञान आधारित, प्रभावी और चीन की राष्ट्रीय वास्तविकताओं के अनुरूप थी। चीन ने विज्ञान के आधार पर कोविड प्रतिक्रियाओं को और अधिक लक्षित बनाने के लिए इसे परिष्कृत करना जारी रखा है। दस्तावेजों में कहा गया है कि दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के लिए 2 हफ्ते का समय कोरोना वायरस के आने वाले खतरों का पता लगाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे। बता दें कि चीन के वुहान के उस सी फूड बाजार को भी समय रहते ही बंद नहीं किया जिससे सबसे पहले वायरस फैला था। इसी दौरान चीन में नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों लोग इधर से उधर गए और वायरस फैलता गया। पाकिस्तान ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव से यूएन हुआ परेशान, दोनों देशों से की ये अपील। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वह ईरान और पाकिस्तान के बीच सैन्य हमले को लेकर गहराई से चिंतित है और उन्होंने दोनों देशों से तनाव को और बढ़ने से रोकने के लिए अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। गुटेरेस ने कहा कि ईरान और पाकिस्तान के बीच सभी सुरक्षा चिंताओं को संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अच्छे पड़ोसी संबंधों के सिद्धांतों के अनुसार बातचीत और सहयोग के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से संबोधित किया जाना चाहिए। बता दें कि एंटोनियो गुटेरेस का ये बयान पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र में तेहरान के हमलों के जवाब में ईरान में सटीक सैन्य हमले करने के बाद आया है। पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में आतंकी ठिकानों पर गुरुवार को ड्रोन और मिसाइल से सैन्य हमले किए जिसमें 9 लोग मारे गए। बलूचिस्तान में ईरान के मिसाइल हमले के मद्देनजर पाकिस्तान द्वारा ईरान से अपना राजदूत वापस बुला लेने और सभी पूर्व निर्धारित उच्च स्तरीय द्विपक्षीय यात्राओं को निलंबित करने के 1 दिन बाद ये हमले किए गए हैं। हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट अप्रैल तक होगा चालू। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ नौकरशाह ने कहा कि हरियाणा के हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा इस साल अप्रैल से वाणिज्यिक परिचालन के लिए खुला रहेगा। एक मीडिया ब्रीफिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग सुधीर राजपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने हिसार से चंडीगढ़, जयपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने के लिए अलायंस एयर के साथ बातचीत की है और वाहन ने पहले ही DGCA से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम अब हवाई अड्डे के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं और हमें उम्मीद है कि हम इस साल अप्रैल की शुरुआत में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर पाएंगे। यह हवाई अड्डा नई दिल्ली के पश्चिम में लगभग 230 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, इसलिए ये लाभप्रद स्थिति में है। उनके अनुसार यह 7,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में परिकल्पित एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होगा जिसे 3 अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा। महुआ मित्रा ने खाली किया सरकारी बंगला, दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। पूर्व लोकसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मित्रा ने दिल्ली स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगला खाली करने के खिलाफ महुआ मित्रा की याचिका को खारिज कर दिया जिसके बाद संपदा निदेशालय की टीम बंगले पर पहुंची थी। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि महुआ मित्रा ने बंगला खाली कर दिया है। बता दें कि महुआ को 16 जनवरी को बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ की याचिका रद्द करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता को संसद सदस्य के रूप में उनकी स्थिति के लिए आकस्मिक सरकारी आवास आवंटित किया गया और वह दर्जा उनके निष्कासन पर समाप्त हो गया। कोर्ट के पास ऐसा कोई नियम मौजूद नहीं है जो किसी सांसद के संसद से बाहर निकाले जाने के बाद उनकी सरकारी घर में रहने संबंधित मसलों से निपटता हो। उन्हें उक्त सरकारी आवास में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि महुआ के बंगला खाली करने के लिए समय के विस्तार के दावे का एकमात्र आधार उनका सांसद होना और सरकारी आवास की आवश्यकता है जिससे 2024 के आम चुनाव में उन्हें प्रभावी ढंग से अभियान चलाने में मदद मिलेगी।
कोर्ट ने कहा कि उनके आवेदन में मेडिकल स्थिति का जरा भी जिक्र नहीं है। इससे पहले भी महुआ ने निष्कासन नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें कि 16 जनवरी को जो नोटिस संपदा निदेशालय ने महुआ को जारी किया था, उसमें यह कहा गया था कि अगर बंगला तुरंत खाली न किया गया तो पूर्व सांसद को बेदखल किया जाएगा और जबरन बाहर निकाला जाएगा। नोटिस में आगे कहा गया था कि महुआ को पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन वह यह साबित करने में विफल रही हैं कि वह अनधिकृत कब्जाधारी नहीं है। उसके बाद महुआ ने हाईकोर्ट का रुख किया था। आपको बता दें कि जब महुआ सांसद थी तो उन्हें दिल्ली के टेलीग्राफ लेन में एक सरकारी बंगला मिला था। हालांकि पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में संसद सदस्यता जाने के बाद 7 जनवरी को महुआ के बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया था और नोटिस जारी करके उनसे बंगला खाली करने को कहा गया था। महुआ ने अनुरोध किया था कि उन्हें लोकसभा चुनाव तक समय दिया जाए क्योंकि इससे उनका चुनावी अभियान प्रभावित होगा। अब चैट जीपीटी का कक्षा में होगा उपयोग, ओपन एआई की इस विश्वविद्यालय के साथ हुई साझेदारी। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई और एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी यानी एएसयू के बीच एक साझेदारी हुई है। इस साझेदारी के तहत एएसयू के छात्र और अन्य सदस्य यूनिवर्सिटी परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट जीपीटी का उपयोग कर सकेंगे। एएसयू ने कहा है कि वह 3 मुद्दों के लिए चैट जीपीटी एंटरप्राइज का उपयोग कर सकता है। इनमें छात्र की सफलता को बढ़ाना, नवीन अनुसंधान के लिए नए रास्ते बनाना और संगठनात्मक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना शामिल है। चैट जीपीटी का उपयोग कहां करना है, इस पर यूनिवर्सिटी छात्रों और शिक्षकों से प्रोजेक्ट सबमिशन लेना फरवरी में शुरू करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने टी सीरीज और नेटफ्लिक्स इंडिया को जारी किया समन। एनिमल फिल्म के ओटीटी रिलीज पर लगाई रोक। एक्टर रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल के ओटीटी रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही फिल्म की निर्माता कंपनी टी सीरीज और ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स इंडिया को समन भी जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर इसका जवाब मांगा है। दरअसल एनिमल के सह निर्माताओं में से एक सीने वन स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड ने टी सीरीज के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर किया था। यह मुकदमा टी सीरीज के खिलाफ याचिका दायर किया गया जिसमें यहां पर फिल्म को किसी भी स्ट्रीमिंग या सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि फिल्म का निर्माण करने के लिए एक समझौता हुआ था जिसके तहत उसे 35% लाभ का हिस्सा उन्हें देना था जो उन्होंने नहीं दिए। हालांकि टी सीरीज का कहना है कि प्रोडक्शन कंपनी को 2.6 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। एनिमल में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी लीड रोल में थे जिन्हें संदीप रेड्डी वांगा ने निर्देशित किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने छात्रों के लिए पेश की नई ऐप, एआई के जरिए पढ़ाई में करेगी मदद। टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अपने यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई फीचर्स का तेजी से विस्तार कर रही है। कंपनी ने अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में शिक्षकों के लिए अपने टूल का विस्तार करने के लिए रीडिंग कोच को एक स्टैंड अलोन ऐप के रूप में लॉन्च किया है। नई ऐप रीडिंग प्रोग्रेस सूट का हिस्सा है जिसे छात्रों को कक्षा और घर में साक्षरता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। नई ऐप एआई का उपयोग करके यूजर्स को पढ़ने के स्कोर को बेहतर करने और व्यक्तिगत प्रतिक्रिया के साथ साथ उच्चारण जैसी चीजों को ठीक करने के लिए सुझाव भी प्रदान करेगी। छात्रों को व्यस्त रखने के लिए ऐप पाठक को प्रॉम्प्ट चुनने के लिए भी कहेगी जो कहानी को बदल सके। लंबे समय तक उपयोग के साथ एआई टूल उन खास शब्दों को चिन्हित करेगी पाठक पढ़ने के दौरान जिनका ज्यादातर उच्चारण गलत करते हैं या फिर उसे गलत समझते हैं। शिक्षक ऐप के भीतर रिफ्लेक्ट टूल का उपयोग करके यह ट्रैक कर सकेंगे कि छात्र असाइनमेंट के बारे में कैसा महसूस करते हैं। छात्रों की प्रतिक्रिया से शिक्षकों को यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि छात्र किस असाइनमेंट के बारे में सबसे अधिक उत्साहित हैं। इससे शिक्षक छात्रों के प्रदर्शन पर नजर रख सकेंगे और आसानी से पाठों के लिए कंटेंट तैयार कर सकेंगे। हरियाणा की बड़ी उपलब्धि, 2023 में 2,48,702 करोड़ लीटर पानी बचाया। हरियाणा में जल संरक्षण और पानी की उपलब्धता और मांग के बीच अंतर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए द्विवार्षिक जल कार्य योजना 2023-2025 के सकारात्मक परिणाम जमीन पर दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इस योजना का लक्ष्य दिसंबर 2023 तक 2,60,498 करोड़ लीटर पानी बचाने का था और इसने 2,48,702 करोड़ लीटर पानी बचाकर अपने लक्ष्य का 95% सफलता
पूर्वक हासिल कर लिया है। ये जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की एक बैठक के दौरान साझा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन गाँव में भूजल रिचार्जिंग परियोजनाओं को लागू करने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है, जहाँ पर भूजल स्तर गंभीर रूप से कम है। अपने भाई बहनों को खोने वाले युवाओं में हृदय रोग का खतरा अधिक, अध्ययन में हुआ इस बात का खुलासा। एक नए स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो लोग बचपन या बड़े होने के दौरान अपने भाई बहन को खो देते हैं, उनमें कम उम्र में ही हृदय रोग का जोखिम ज्यादा होता है। ये स्टडी चीन के संघाई में फूडन विश्वविद्यालय और हांगकांग के चीनी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया है। इसके लिए उन्होंने डेनमार्क में 20 लाख से ज्यादा लोगों का मूल्यांकन किया है और जिनका जन्म साल 1978 और 2018 के बीच हुआ था। ये अध्ययन 8 जनवरी को JAMA नेटवर्क ओपन में प्रकाशित हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि जिन लोगों ने अपने भाई बहन को खोया है, उनकी मृत्यु के समय की आयु औसत 11 साल थी। इन लोगों में भाई बहन की मृत्यु के कारण हृदय रोग का जोखिम 17% अधिक है, यानी कि बड़े भाई बहन की तुलना में इनमें हृदय से संबंधित समस्याएं ज्यादा हो सकती हैं। ऐसे में बचाव के लिए उन्हें ज्यादा ध्यान और समर्थन की जरूरत होती है। इस अध्ययन में चिल्ड्रेन हॉस्पिटल लॉस एंजल्स में नेशनल सेंटर फॉर स्कूल क्राइसिस एंड बेरेवमेंट के निदेशक डेविड सॉनफेल्ड ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बचपन में होने वाले इस तरह के अनुभव वयस्कता के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। हालांकि वह चचेरे या ममेरे भाई बहन की मृत्यु पर किया गया शोध है, न कि परिवार के किसी करीबी सदस्य पर। इसके बावजूद ये बच्चों के लिए तनावपूर्ण अनुभव है, इसलिए इससे उन पर नकारात्मक प्रभाव होता है। इस अध्ययन में डेविड के अलावा फ्लोरिडा के डेलरे मेडिकल सेंटर के हृदय रोग विशेषज्ञ जोनाथन काहन ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाई बहन को खोने जैसी दर्दनाक घटना जीवित लोगों में व्यस्तता के समय कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इससे क्रोनिक तनाव और सर्वाइवर सिंड्रोम जैसे कई भावात्मक या फिर शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जो सीधे हृदय रोग से जुड़ी हुई होती हैं। कहन ने हृदय संबंधित पेशेवरों को हृदय रोग की समस्याएं होने के कारण के पुराने चरण जैसे शोक और तनाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। राम भक्तों के लिए राम मंदिर तक ले जाने के लिए अयोध्या में चलेंगी ई गाड़ियां। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा करने के लिए अयोध्या आने वाले भक्तों के लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ियां उपलब्ध करवाई जाएंगी। अधिकारियों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। उन्होंने कहा कि ई कार्ट या गोल्फ कार्ट बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त यात्रा की पेशकश करेगी, जबकि अन्य के लिए किराया जल्द ही घोषित किया जाएगा। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि पहले चरण में मार्च तक तैनात की जाने वाली 650 ई कार्टें शहर भर में पार्किंग स्थलों पर उपलब्ध होंगी। संपूर्ण अयोध्या को जोड़ने के लिए एक हाइपर लूप मॉडल तैयार किया जा रहा है और ई कार्ट परियोजना उसी का एक हिस्सा है। सिंह ने कहा कि निकट भविष्य में रामपथ, जो कि अयोध्या के मध्य में एक महत्वपूर्ण मार्ग है, उस पर 4 पहिया वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और केवल ई कार्ट को ही अनुमति दी जाएगी। बता दें कि सिंह ने कहा कि 22 जनवरी को प्रतिष्ठा समारोह के बाद रामलला के दर्शन के लिए बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं समेत बड़ी संख्या में भक्तों के अयोध्या आने की उम्मीद है। अपने वाहनों से आने वाले भक्तों के लिए पार्किंग क्षेत्र में ई कार्ट उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इन ई कार्ट के जरिए श्रद्धालु राम मंदिर, हनुमानगढ़ी मंदिर और आसपास के अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सकेंगे। बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं के लिए राम मंदिर में व्हील चेयर की भी मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर हल्की से मध्यम बारिश संभव है। लक्षद्वीप, दक्षिणी केरल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह और रात के समय और उत्तराखंड और उत्तरी राजस्थान में एक या दो स्थानों पर घना से बहुत घना कोहरा छा सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीत दिवस से लेकर गंभीर शीत दिवस की स्थिति जारी रह सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम के कुछ हिस्सों और पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में एक या दो स्थानों पर ठंडे दिन की स्थिति जारी रह सकती है।
आज का सुविचार, यदि हम अपनी नियत अच्छी और मकसद सही रखेंगे तो मुसीबत के समय भी किसी न किसी रूप में ऊपर वाला हमारी मदद जरूर करेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।